तो इस क्वारंटाइन खाली ठलुए बैठे बैठे मेरे को तीन मस्त मस्त एप्लीकेशन मिली है जो कि आपको इस क्वारंटाइन पीरियड में मतलब लॉकडाउन पीरियड में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत बढ़िया रहेंगे आपके लिए एप्लीकेशन ये। तो ये तीन बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो हे गाइस, दिस इज अर्श, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे तीन मस्त एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए इस क्वारंटाइन पीरियड में। तो यार एक चीज़ होती है कॉलोनी जो कि सब में होती है, क्योंकि मुझ में भी है, मेरे दोस्त में भी है और आप में भी होगी, ओके है भूलने वाली प्रॉब्लम। मतलब अगर किसी को कॉल वगैरह करनी है, कोई फेसबुक पे हमें नोटिस, किसी को मैसेज करना है, रिप्लाई करना है किसी को, या कोई ईमेल भेजना है, किसी को कॉल करनी है, एसएमएस करना है, तो काफ़ी बार हम ये चीज़ भूल जाते हैं, बाद में याद आती है, जिसकी वजह से काफ़ी बार दिक्कत हो जाती है हमें। तो इसके रिलेटेड एक ऐप है, मतलब एक ऐप मेरे को मिली इसी क्वारंटाइन पीरियड में, वो है स्केडिट करके ये एप्लीकेशन। आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये तीनों एप्लीकेशन। तो जब आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे, ऐसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ऐसा एक इंटरफेस आता है इसका। तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा ये। आप फेसबुक के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, आप फिर अकाउंट बना सकते हैं, आपकी ई मेल आई डी मांगेगा, उस पर एक वेरीफिकेशन कोड आएगा एंड दैट इज़ इट, आपका अकाउंट तैयार। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं कि ई मेल शेड्यूल करने, कॉल शेड्यूल करने का, फेसबुक के मैसेज, व्हाट्सएप बिजनेस के, व्हाट्सएप के मैसेज शेड्यूल करना है कि आपको किसी को व्हाट्सएप करना है या किसी का मैसेज देखना है आपने अभी तक जो सीन नहीं किया है, तो कॉल का देखते हैं लगा कि कॉल में क्या क्या आता है, अलाउ करते हैं, इसे परमिशन दे देते हैं। एंड इधर माया कॉन्टैक्ट, कि मैं किसे कॉन्टैक्ट करना है, जैसे कि मैंने अपने कॉन्टैक्ट डाल दिया। और इसके शेड्यूलिंग अभी हम रख देते हैं 10:19 रख देते हैं। एंड यहाँ आपने रख दिया, अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये 10:19 हो गया और हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गया है इसका। तो अगर हमारे हाथ में मोबाइल है और ये आपको बताया कि आपको किससे कॉल करनी है और आपका मैसेज क्या था, किस वजह में आपको बात करनी थी, मतलब जो भी वजह है बात करने की, वो डाल सकते हैं समरी में इसकी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, आपसे कॉल कर सकते हैं, आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी। तो यह काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन रहेगी आपके लिए, अगर आपको भी भूलने की प्रॉब्लम है जैसे कि मेरे को है और मेरे दोस्त को है। हाँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जो कि है हमारी वॉइस को चेंज करने वाली एप्लीकेशन। तो यार हमें काफ़ी बार लगता है कि मेरी वॉइस मतलब अलग होती तो कैसी रहती हमारी वॉइस, मतलब अलग होती तो हम कैसे सुन पाते हैं वॉइस, मतलब कैसी लगती वॉइस बेसिकली। तो इस एप्लीकेशन का नाम है वॉइस टोनर। ये रही एप्लीकेशन वेविक्स, ऐसे कुछ नाम इसके तरफ से आ रही है एप्लीकेशन। आपको ये सब प्ले स्टोर पर और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एंड ये रिकॉर्ड करने का मांगेगा आपकी वॉइस को। तो जब आपके पास एक वॉइस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको ऐसे एक इंटरफेस मिलेगा जहाँ ये बंदा सो रहा होगा लेकिन आप बंदे को जगाना है। तो जैसे कि ये आ रहा है, यहाँ बंदा सो रहा है लेकिन हम इसे सोने नहीं देंगे, हम इसे जगाएंगे, टैप करके जगाएंगे। तो मेरा नाम है अर्श एंड मैंने तेरे को जगाया है अभी। ये हो गया। अब आपके काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, एम्स्टर, ये मॉन्स्टर करके एंड ये मंकी करके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो हम इसकी आवाज़ सुनते हैं, ये आप क्या सुन पाएंगे ऐसे, ये लौंडा साला मोटा सा गेंडा सा हो रहा है, ये भी इस मंकी को आप सुन पाएंगे, ये जियान टाइप मतलब जो है हमारा वो सुन पाएंगे, और ये डेविल की आवाज़ भी सुन पाएंगे आप, अपनी आवाज़ को डेविल की आवाज़ में चेंज होते हुए। तो ये काफ़ी बढ़िया से टाइम पास वाली एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड काफ़ी टाइम पास कर सकते हैं, मतलब कोई बच्चे वगैरह हैं उनका भी टाइम पास हो जाएगा इससे, सब बच्चों के लिए एप्लीकेशन है बेसिकली है। तो ये होगी दो एप्लीकेशन हमारी। अब आते हैं तीसरी पर जो कि मेरी फेवरेट एप्लीकेशन रही है, जो कि है फ़ोटो के रिलेटेड एप्लीकेशन। तो है इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सलो। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा इस एप्लीकेशन के बारे में। ये बेसिकली आपको जो फोटो है नॉर्मल फ़ोटो उसमें काफ़ी इफेक्ट ऐड कर देती है। तो दिखाता हूँ आप एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब ये एप्लीकेशन खुलेगी, आपके न्यू क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, तो मैं आप एक फ़ोटो खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने खोल ली, इसमें अपनी एक फ़ोटो। तो आज ये वो फ़ोटो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, और ये फ़ोटो अभी सिर्फ फ़ोटो है, ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है हमें, मतलब जो एडिट है उसके बाद भी अगर ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है आपको, कुछ मसाला वगैरह डालना है इसमें, मतलब कुछ बढ़िया से बनानी है फ़ोटो को, तो इसमें आपके पास ऑप्शन आता है। अगर आपके पीछे स्काई है पूरा,
तो क्या कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब पर जाएंगे एंड चेंज, दिस इज सिंपल सा था, चेंज हो गया। अब उसे प्ले कर सकते हैं आप, मतलब बेसिकली आपकी फ़ोटो को GIF में कन्वर्ट कर देता है, और ये आप ये ऐड कर सकते हैं फ़ोटो बहुत बढ़िया तरीके से। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपके पास आते कुछ ऑप्शन, तो सबसे पहले हम जाएंगे एनिमेट में, इसका इससे पहले भी हमें एनिमेट में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जाना है हमें कुछ पोर्शन को फ्रीज करना, मतलब जो पोर्शन को हमें मूव नहीं करना है उसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से सेलेक्ट करना होगा आपको, मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा है, मैं सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और चाहे तो आप अपना रिक्वायर्ड पाथ, मतलब आप कोई पाथ चाह रहे हैं कि वो पाथ मूव करे, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप जब इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें एक बंदा खड़ा होगा, उसके सामने झरना होगा, आप झरने को मूव कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करना है और किस चीज़ को फ्रीज करना है, किस चीज़ को मोशन में लेके आना है, तो उसमें देख सकते हैं हम। लेकिन अगर आपके कोई फोटो, अपनी फ़ोटो, इसमें आपको कोई स्काई वगैरह मूव करना है, स्काई को चेंज करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहेगा उसमें। तो ऐसे ये वाली फ़ोटो है मेरे पास, इसे मैंने एनिमेट में कर दिया है, जो एरिया मेरे को फ्रीज रखना मैंने फ्रीज रख दिया है। अब जाएंगे हम स्काई में, स्काई पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये हो गया, और उसे क्लिक करके इसको ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कितना रखना है ये भी चेंज कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। और हॉरिजॉन मतलब इसका जो पीछे के लाइटनिंग वगैरह है, कि डार्क है, डार्क रखनी है आपको, लाइट रखनी है, वो कर सकते हैं। और ये आ गया आपके पास, काफ़ी सारे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें से, ये काफ़ी बढ़िया रही है। और इसे हम, अगर आप इसे प्रीमियम खरीदेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि इसके बाद वाले जितने भी ऑप्शन हैं सब यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं अभी यही एक्सप्लोर कर दिखाता हूँ आपको। अगर आपका प्रीमियम है तो आप अपनी फ़ोटो को GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आपकी फ़ोटो में मोशन रहेगा, एक GIF फ़ोटो बन जाएगी, वो काफ़ी सारे रेशोज भी है, रेशो चूज़ कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन चूज़ कर सकते हैं कि 6 सेकंड रखना है, ज़्यादा रखना है आपके हिसाब से वो। और इसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, तो जब आप प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होगा तो कैसा लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये रही वो फ़ोटो एक्सपोर्ट होने के बाद में। तो यार आप इसे इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं और लोगों के लाइक वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि आपकी फ़ोटो पहले से काफ़ी बढ़िया हो चुकी है इस मोशन को यूज़ करके। सो यार ये थी वो तीन एप्लीकेशन, जो कि काफ़ी मस्त मस्त एप्लीकेशन थी, और आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए तीनों एप्लीकेशन इस क्वारंटाइन पीरियड में, क्योंकि जब सब खाली बैठे होते तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। सो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, और आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी, आपको क्या रिव्यूज़ हैं इन एप्लीकेशन के लिए कमेंट में बताना मेरे को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, एंड जो नीचे डाल करके बटन है उसे सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, और नोटिफिकेशन लेने के लिए घंटा दबाओ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।